एवरीवन, आर फास्ट किचन में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी मुसल्लम की बहुत ही टेस्टी और रिच ग्रेवी वाली रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक फ्राइड अनियन, 3 टेबलस्पून दही, 1 टमाटर, 10 से 12 काजू। अब इन सब का हम एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। जब आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड रख देंगे। सबसे पहले हम एक फिलिंग बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम पनीर। इसके अंदर ये मैं डाल दूंगी 4 से 6 काजू चॉप करे हुए, 1 स्पून के लगभग किशमिश चॉप करी हुई, 2 हरी मिर्चें चॉप करी हुई, 1 चम्मच हरा धनिया चॉप करा हुआ, थोड़ा सा नमक, 1/2 से 1/2 चम्मच पाउडर शुगर, ये ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्टफिंग अब हमने रेडी कर लिया, इसको भी हम साइड रख देंगे। सबसे पहले हमें अपने गोभी को बॉईल करना है, जिसके लिए हम ये लेंगे पानी। इसमें हम डाल देंगे 1/2 से 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, पानी में हम बॉईल आने देंगे। अब ये पानी बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने गोभी लिया आप देख सकते हैं, मीडियम साइज की गोभी है, इसको हमें बॉईल करना है। तो ये हम इस पानी में डाल देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब हम इसको पलट देंगे, फिर ढककर 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, गोभी लगभग हमारा 80% जाना चाहिए, हमें सिर्फ 80% तक ही गोभी को गलाना है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये पैन में लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल। के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये गरम मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 6 से 7 लौंगी, 4 इलायचियां, 6 से 7 काले मिर्च, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी। गरम मसाले क्रैक होने लगेंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा इनको सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा इन सबको सौते करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी करा था वो, 1 चम्मच नमक, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम अपनी गोभी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गोभी की बची हुई जगह होती है उसके अंदर हम ये पनीर वाली स्टफिंग अच्छे से भर देंगे। जैसे हमें अंदर तक इस स्टफिंग को भरना है, जहां तक ये जा सकती है वहां तक प्रेस कर करके हम जगह बना लेंगे और अपनी स्टफिंग अच्छे से अंदर फिल कर देंगे। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं हमने इस पनीर की स्टफिंग बहुत अच्छे से गोभी के अंदर फिल कर दी है। अब ये गोभी हम अपनी ग्रेवी में रख देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी ग्रेवी ने भी बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और अब हम इस पे रख देंगे ये गोभी जो हमने स्टफ करके रखी थी वो। और अब गोभी के ऊपर हम ये ग्रेवी डाल देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, अब ये गोभी मसल्लम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ग्रेवी हमें इतनी थिक रखनी है, आप चाहें तो कम या ज्यादा थिक रख सकते हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे ये हरा धनिया, थोड़े से चॉप करे हुए ये काजू, गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं रेडी हो चुका है हमारा गोभी मसल्लम, बहुत ही टेस्टी और रिच ग्रेवी वाला। एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट ग्रेवी मैंने आपको दिखाई है, टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही रिच है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।